हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक और होम्योपैथिक मेडिसिन लाइकोपोडियम क्लेविटम के बारे में जानेंगे। इसका कॉमन नेम है वुल्स क्लॉ या फिर क्लॉब मॉस। इस प्लांट का रूट बिल्कुल भेड़िए के पंजे की तरह रिजेंबल करता है, इसलिए यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है लाइकोस। लाइकोस का मतलब है वुल्फ एंड पैडोस जिसका मतलब है फुट। यह प्लांट मेडिसिन के तौर पे बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है और इसके केवल स्पोर्स ही गठिया और यूरिन रिटेंशन के लिए यूज किए जाते थे। मॉडर्न हर्बलिस्ट भी इसके स्पोर्स को एक्सटर्नली यूज करते हैं वुंड्स या फिर एक्जिमा को ठीक करने के लिए। हैनीमैन ने 1828 में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और एंजाइटी के लिए प्रूव किया था। तो यह एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन था। हम अब बिना टाइम वेस्ट किए इस मेडिसिन को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम से। यह मेडिसिन प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड है, लेकिन इसके सिम्टम्स कभी कभी राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर जाते हैं या फिर कभी कभी ऊपर से नीचे की ओर भी ट्रैवल करते हैं, जैसे कि फ्रॉम हेड टू चेस्ट। पेशेंट के ऊपरी भाग पतला होता है और वीक होता है, स्पेशली गर्दन के आसपास, जबकि निचला भाग काफी अच्छा और बहुत हेल्दी होता है। जब हेड या स्पाइन का सिम्टम्स होता है, तब पेशेंट गर्म एटमॉस्फेयर को सहन नहीं कर पाता। सिर के लक्षण भी बिस्तर की गर्मी या फिर हीट से बहुत बदतर हो जाते हैं। साथ में एक्सरसाइज करने से जो गर्मी जनरेट होती है, या फिर कोई फिजिकल वर्क करने से जो शरीर में गर्मी जनरेट होने लगती है, उससे भी तकलीफें बढ़ जाया करती है। पेशेंट सेंसिटिव होता है कोल्ड के प्रति और ऐसा लगेगा जैसे कि उसके शरीर में गर्मी की कमी है, और ठंड या ठंडी हवा से या फिर कोल्ड फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक से कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाया करती है। सिर यानी हेड और स्पाइन को छोड़कर सभी पार्ट्स में गर्मी से आराम मिलता है। फिजिकल वर्क से लाइकोपोडियम पेशेंट की तकलीफें और ज्यादा बढ़ जाया करती है। वह फूला हुआ और बहुत ही दर्द से ग्रसित हो जाया करता है, और फिजिकल वर्क या फिर कोई एक्सरसाइज करने से उसे सांस में तकलीफ होती है, उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। वह चल नहीं सकता, वह तेजी से चल नहीं सकता। फिजिकल वर्क या एक्सरसाइज करने से उसकी कार्डियक सिम्टम्स और सांस लेने की तकलीफ जैसे सिम्टम्स भी बढ़ जाया करती है। रूमेटिक पेन्स यानी वात दर्दों में लाइकोपोडियम पेशेंट को हिलने डुलने पर आराम मिलता है। उसे बहुत ही ज्यादा बेचैनी रहती है, करवट बदलते रहता है, और अगर दर्द रहा और उसके साथ इंफ्लेमेशन रहता है तो रोगी को बिस्तर की गर्मी से आराम मिलता है और वह रात भर छटपटाता रहता है। वह करवट बदलता रहता है और नई नई जगह पर जाता है। वह सोचता है कि अब वो उस जगह पे सो जाएगा, लेकिन रात भर बेचैनी बनी रहती है। सिर के सिम्टम्स में वह ठंडी हवा चाहता है, ठंडी जगह पे रहना चाहता है। अब ये सच है कि अब इतना मोशन करेगा, इतना इधर उधर पेशेंट हिलेगा तो उससे पेशेंट गर्म हो जाएगा तो सिर का दर्द बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ हिलने डुलने से नहीं, लेट जाने या फिर कमरे की जो गर्माई होती है उससे भी सिर दर्द बढ़ जाता है और बदतर हो जाता है। ठंडी हवा या हिलने डुलने से अच्छा लगता है उसे। और सिर के लक्षण में गर्म कपड़ा लपेटने और गर्म बिस्तर में रहने से इसके सिम्टम्स वर्स हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन में जो इन्फ्लेम्ड भाग यानी जो फूल गए हैं जो पार्ट्स, उसमें कभी कभी हीट से राहत मिलती है। थ्रोट सिम्टम्स और स्टोमक पेन में भी गर्म चीजें पीने या फिर खाने से पेशेंट को आराम मिलती है। थ्रोट सिम्टम्स में गर्म चाय या फिर गर्म सूप पीने से उसका तकलीफ घट जाया करती है। लंबे समय तक क्रोनिक डिजीज में भी लाइकोपोडियम बहुत ही हेल्पफुल होती है। जहां पे जान बचने की कोई उम्मीद ना हो, वहां पे पेशेंट को लाइकोपोडियम देने से उसकी उम्र कई दिनों तक बढ़ जाया करती है। इसमें हर चीज खट्टा डिस्चार्ज होता है। चाहे लाइकोपोडियम की तकलीफें एक फिक्स टाइम पर बदतर हुआ करती है, यानी शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक।
पोडियम का ठंड या फीवर या टाइफाइड स्पेशली इसी समय वर्स हो जाया करती है। चाहे वो रूमेटिक फीवर हो, गाउटी अटैक हो, या इंफ्लेमेटरी कंडीशंस हो, या निमोनिया हो, जो भी तकलीफें, खासकर अगर लाइकोपोडियम मानती है, तो इसी समय के बीच में ज्यादा तकलीफें बढ़ जाया करती है। लाइकोपोडियम पेशेंट को भूख तो बहुत रहती है, लेकिन जैसे ही वो एक कोर खाता है, उसका पेट बिल्कुल भर जाया करता है। उसको ऐसा महसूस होता है जैसे उसका थ्रोट तक पूरा खाना भर चुका हो। यह एसिडिटी में भी हेल्पफुल होती है। इसमें पेशेंट का पेट बिल्कुल ब्लॉटेड रहता है, फूला हुआ सा रहता है। स्पेशली लोअर एब्डोमिन यानी नीचे का पेट का भाग ज्यादा फूला हुआ रहता है। पेशेंट के पेशाब में रेड सैंड मिलते हैं, यानी लाल बालू के कण मिलते हैं, और ये देखा गया है कि छोटे बच्चे पेशाब करने से पहले बहुत रोया करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर घर से बाहर निकलना हो और उसी टाइम आप कॉन्स्टिपेशन हो जाता हो, तो उसमें यह खास हेल्पफुल होती है। लाइकोपोडियम का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इसमें जो पेशेंट होते हैं वो आधे खुले आंख में सोते हैं। अब हम इसके माइंड के सिम्टम्स में आते हैं। रेमेडी का पेशेंट हमेशा थका सा रहता है और किसी चीज में उसका दिल नहीं लगता। उसे बहुत ही ज्यादा वीकनेस, टायर्ड और फटीक रहती है। ये जो पेशेंट होते हैं वह किसी समाज या सभा में अपेयर होने से बहुत ही ज्यादा डरते हैं, जी चुराते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन है, जैसे कि वकील, पादरी, टीचर, लेक्चरर, वो किसी आम आदमी के सामने या किसी सभा में जाने से डरते हैं। उन्हें इस बात का डर रहता है कि कहीं वह कुछ गलती ना कर दे। हालांकि काम वह शुरू से बहुत अच्छी तरीके से करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में यह डर आ जाता है कि कहीं उनसे कुछ गलती ना हो जाए। जैसे वकील है, उन्हें यह डर लगने लगता है कि वह केस हार जाएगा या उससे कुछ गलती हो जाएगी। आप उसे जबरदस्ती नहीं भेजेंगे, तब तक वह जाना नहीं चाहेगा, और अगर वह चला जाता है, तो वह अपना काम बखूबी अच्छे से कर डालता है। लाइकोपोडियम पेशेंट बहुत ही ज्यादा डरपोक होता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि उसके पीछे भूत प्रेत ना पड़ जाए। बहुत ही ज्यादा बुरी बुरी ख्याले आने लगती है। उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ अनहोनी हो जाएगा, चाहे घर में चोरी हो जाएगा या फिर घर में आग लग जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। ऐसे ऐसे ख्याले उसके मन में आया करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, लाइकोपोडियम की पेशेंट बहुत ही ज्यादा डरपोक होती है। वह किसी नए अनजान आदमी से मिलने से भी डरती है। इनफैक्ट अगर कोई डोरबेल भी बजाता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। यह पेशेंट शक्की होती है और दूसरों के गुण या दोष पर बहुत ही ज्यादा सोचा करती है। यह बहुत ही भुलक्कड़ होता है, बोलने या लिखने की गलती करता है, और वह छोटी छोटी बात भी बोल करके वह भूल जाया करता है। लाइकोपोडियम को भूख बहुत तेज लगती है और वह जब भी खाना खाएगा तो बहुत जल्दी जल्दी खाया करेगा। लाइको पेशेंट धर्म के मामले में बहुत ही ज्यादा हट्टी होती है। धर्म के बारे में सोचा करती है और सोचते सोचते सनकी हो जाती है। उसे आदमियों का संगत पसंद नहीं, इसलिए वह एक अकेले छोटे कमरे में अपनी चिंता के विषय में ही डूबे रहती है। वह अकेले भी रहना नहीं चाहती, लेकिन साथ ही चाहती है कि उसके कमरे के पास दूसरे कमरे में कोई रहे, ताकि जब भी उसका दिल चाहे वह उसे बुला सके। इस तरह से वह अकेली भी रह सकती है और वह डरेगी भी नहीं। और अगर कोई उसे प्रेजेंट या गिफ्ट दे या उस पर सिंपथी दिखाए या किसी बात पर उसे धन्यवाद दे या कोई खुशी की बात हो, तो इस पर वह रोने लगती है। अब हम हेड के सिम्टम्स में आते हैं। पीरियोडिकल हेडेक हुआ करता है और यह सिरदर्द गैस्ट्रिक तकलीफों के साथ कनेक्शंस रहता है। अगर उसका रात का डिनर का समय निकल जाता है तो उसे सिक हेडेक हो सकता है। उसे टाइम पर खाना पड़ता है या उसे सिरदर्द हुआ करता है।
लाइको के सिर दर्द में अगर कुछ खा लेता है तो उसे सिर दर्द में आराम मिल जाता है। लाइकोपोडियम हेडेक गर्मी से, बिस्तर की गर्माई से और लेटने से बढ़ जाता है। सर्दी से, ठंडी हवा से और खिड़कियां खुली रहने से उसे आराम मिलता है। दुबले पतले लड़कों के सिर में लंबे समय तक खींचने वाला टिपकन वाला सिर दर्द हुआ करता है और दिन दिन या महीनों महीनों पर वह दुबला पतला होता चला जाता है। खासकर चेहरा या गर्दन उसका दुबला या पतला हो जाता है। खासकर उन सूखे हुए लड़कों के लिए हेल्पफुल होती है जिन्हें सूखी खांसी या लंबे समय तक खींचने वाला सिर दर्द हुआ करता है। एक सिम्टम्स रिलेशन रखता है वो यह है, रेड सैंड इन यूरिन, यानी पेशाब में लाल बालू के कण मिलते हैं। जब तक लाल बालू काफी मात्रा में आते रहती है तब पेशेंट इन कंजेस्टिव हेडेक से फ्री रहता है, लेकिन जब यूरिन पीला हो जाता है यानी नॉर्मल हो जाता है तब फटने की तरह दबावशील वाला दर्द होने लगता है जो कई दिनों तक बना रहता है। कहा जा सकता है कि यह यूरेमिक हेडेक है। यही केस गाउटी यानी गठिया के साथ भी होता है। इसका प्रेसिंग सेंसेशन होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका सिर फट जाएगा। लाइकोपोडियम के पतले लड़कों के सिर में लंबे समय तक खींचने वाला टपकन वाला सिर दर्द हुआ करता है और दिन दिन या महीनों महीनों पर वह पतला दुबला होता चला जाता है। खासकर उसका चेहरा या गर्दन पतला और दुबला हो जाता है। खासकर उन सूखे हुए लड़कों के लिए हेल्पफुल होती है जिन्हें सूखी खांसी या लंबे समय तक खींचने वाला सिर दर्द हुआ करता है। वह बिना वजह ही अपना हेड को शेक करता है। पहले धीरे धीरे करता है और फिर बाद में खूब तेजी से वह हेड को शेक करने लगता है। हेयर फॉल्स में भी लाइकोपोडियम हेल्पफुल होती है। इसमें स्कैल्प में भी इरप्शंस और पैचेस मिलते हैं जिसके प्री मैच्योर बाल्डनेस में भी हेल्पफुल होती है, और खासकर एब्डोमिनल इफेक्शंस के बाद हो या फिर बच्चे के जन्म देने के बाद में अगर बाल्डनेस स्टार्ट हो रहा हो तो उसमें यह ज्यादा हेल्पफुल होती है। डैंड्रफ में भी यह बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है।